हेलो स्टूडेंट्स, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इस वीडियो में मेन तौर पे मैं ये डिस्कस करूंगा कि जो आपका जेएसआई का एग्जाम आने वाला है फरवरी में, उसमें जो ये जनरल स्टडीज का पेपर है वो हम लोग कैसे लाइव ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू विद इन 90 डेज जो है उसको कंप्लीट करेंगे। ये 90 डेज आप मान के चलना कि मेरी जो ऑब्जेक्टिव है कि दिसंबर तक मैं आपका जो पूरा सिलेबस है जनरल स्टडीज का वो खत्म करा दूं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि आपके जनरल स्टडीज में क्या क्या टॉपिक आते हैं, अगर आप देखें तो जैसे कि हिस्ट्री के आपके 3 टॉपिक हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो सबसे पहला आपका एंशंट हो गया, मेडिवल हो गया और मॉडर्न हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि आपके जो पिछले साल के जो पेपर्स हैं, चाहे वो 2021 का पेपर हो या 2022 का जो पेपर आपका हुआ था जीएसआई का जनरल स्टडीज का पेपर, उसके पैटर्न के बेसिस पे ही हम लोग जीएस क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। यानी कि हम लोग सबसे पहले वो टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके पिछले 2-3 सालों में आए हैं। ठीक है, तो वैसे तो अगर देखा जाए जीएस का, अगर आप फॉर्मेट देखें कि जो मैं पढ़ाता हूँ जीएस में, हिस्ट्री में 3 पार्ट हम लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। ऐसी आपके ज्योग्राफी में भी 3 पार्ट हैं आपके, कौन कौन से, फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। और फिर आपका तो 3 पार्ट किसके हो गए, हिस्ट्री के 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट आपके ज्योग्राफी के हो गए। देन एक पार्ट आपका किसका हो गया, पॉलिटी का हो गया। देन एक पार्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या हो गया, इंडियन इकोनॉमिक्स का हो गया। देन उसके बाद साइंस के अगर हम टॉपिक देखें तो क्लास 12 तक की आपकी जूलॉजी, क्लास 12 तक की आपकी बॉटनी, और क्लास 12 से लेकर बीएससी लेवल तक की आपके इन्वायरमेंट। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो क्लास 10 तक ही आती है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो पूरा क्लास 12 तक के लेवल की। स्पेस साइंस की बात करें तो रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, और फिर पूरा करंट अफेयर्स का एक टॉपिक, गवर्नमेंट पॉलिसीज और मिसलेनियस। तो देखा जाए तो आपके जनरल स्टडीज में टोटल 18 टॉपिक हैं जो आपको सामने दिख रहे होंगे, जो मैं आपको विद इन 90 डेज के अंदर इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग पहले कंप्लीट करें। अगर मैं एक डेटा आपको दू कब का, 2022 के पेपर का जो एग्जाम हुआ था आपका, जरूरी नहीं कि हमेशा यही पैटर्न फॉलो हो, लेकिन 2022 के डेटा अगर मैं आपको दू कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन सबसे ज्यादा किससे आए, नंबर 2 में सबसे ज्यादा किससे आए और नंबर 3 में सबसे ज्यादा कितने आए, जो ये सारे आप टॉपिक अपने साथ में देख रहे हैं, जैसे कि एंशियंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जूलॉजी, बॉटनी और इधर से इन्वायरमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके आए हैं वो आए हैं 32 क्वेश्चन आपके कहाँ से, ज्योग्राफी से आए हैं। अब ये ज्योग्राफी का मतलब ध्यान रखना क्या क्या हो गया इसमें, इसमें फिजिकल ज्योग्राफी भी हो गई, इसमें इंडियन ज्योग्राफी भी हो गई और इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आए हैं 2020 के पेपर में, वो आपके 20 क्वेश्चन आए हैं किससे, फिजिक्स से। जो क्लास 10 की फिजिक्स है उससे 20 क्वेश्चन आपके आए। जरूरी कि अगर फॉलो है, फिर से बार बार बोल रहा हूँ, फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो सकते हैं। और उसके बाद जो बायो और ऑब्लिक करंट अफेयर्स, दोनों से आपके 15-15 क्वेश्चन आए। ठीक है, तो 15-15 यहीं पे कितने हो गए, 30 क्वेश्चन आपके हो गए। तो आप समझ रहे हैं कि किस तरीके का पैटर्न जो है 2022 में अपनाया गया। बस कुछ उसी तरीके का पैटर्न जो है हमको उम्मीद है कि 2023 में भी हो। इसीलिए जो ये 90 डेज का जीएसआई का कोर्स है वो मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो कि 3 अक्टूबर से मैं शुरू कर रहा हूँ, कि जिसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है पहले हम उसको कवर अप करेंगे, और उसके बाद जिससे लगता है कि कम क्वेश्चन आते हैं उसको सबसे आखिरी में पुट आउट करेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन करवाएं, 500 रुपीज जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस है। उसके बाद मैं आपका एक बैच बना दूंगा और लगभग 3 से 4 डेमो क्लास होती हैं उसके, क्लास 2, और उसके बाद जो उसकी फीस है 4,999 पूरे कोर्स की फीस है वो जमा करो, लेकिन डेमो क्लास लेने के बाद।